शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपनी दुल्हन को विदा करा के लेके जाने का हक है हमें। अगर ये हक हमें मांगने से ना मिला तो हम छीनना जानते हैं। हम गोरखपुर जिले की पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारी बच्ची हमारे छोटे भाई की अमानत है और हम इसको इस आवारा गुंडे के हाथ नहीं सौंपेंगे। तो फिर अब ये फैसला कोर्ट में ही होगा। एक युवती ने एक युवक को प्यार के जाल में फंसा कर शादी कर ली और अब साफ मुकर रही है। युवक का नाम शिवांश सिंह है और युवती श्रवणी ठाकुर बताया जा रहा है। इससे तो हमारे घर की और श्रवणी की बहुत बदनामी होगी। श्रवणी का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा और आगे स्वीटी भी तो है, हम क्या करेंगे? श्रवणी, हमें तुम पे बहुत गर्व है और कोई तुम्हारा नाम उछालेगा ना, ये हम नहीं सहेंगे। सब ठीक कर देंगे हम, ये हमारा वादा है। ससुर जी, हम समझते हैं कि आपके लिए आसान नहीं है कि एक अनजान लड़के के साथ अपनी बेटी को विदा कर देना। हम बस इतना चाहते हैं कि आप इस शादी को स्वीकृति दे दीजिए। कभी नहीं। ससुर जी, अब ये वीडियो देखने के बाद तू आंखें मत दिखाइए। अरे हमारे आपस का मामला है, बैठ के सुलझा लेंगे, कोई ना कोई तो बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे। तुझ जैसे आवारा और घटिया लड़के के साथ हम अपनी बच्ची नहीं भेजेंगे, समझा? सोच लीजिए, हमारे पास है बीच का रास्ता। हमारी बीवी अपने मायके में भी रहेगी और पंचायत के फैसले के अनुसार वो अपना पति पत्नी का धर्म भी निभा पाएगी। इनका तो ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। सोच लीजिए, आते हैं थोड़ी देर में। बीवी जी, जल्दी आएंगे। श्रवणी के तमाशे की वजह से ना कुछ खा पाए और ना ही फ्रेश हो पाए। अब आराम से खाना खाएंगे, फिर फ्रेश होके अपना ब्यूटी मास्क लगाएंगे। वैसे ना जो भी हुआ अच्छा, वो श्रवणी हमारी शादी तोड़ी थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। स्वीटी, आ जाओ दीदी। स्वीटी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तुमने सुना ना पंचायत ने क्या फैसला लिया है? जब तक हम इस शादी को झूठा नहीं साबित कर देते हमें उस शिवांश के साथ रहना पड़ेगा। तो अब क्या करोगी तुम? हम तो नहीं, लेकिन तुम कर सकते हो स्वीटी। हम? पर हम क्या करें? स्वीटी, अगर तुम सबको बता दो कि वो बच्चा शिवांश का है तो शिवांश का सच सबके सामने बाहर आ जाएगा, फिर हम ये झूठी शादी के ड्रामे से भी बच जाएंगे। और फिर तुम सबसे ये भी कह सकती हो कि शिवांश ने कितना बड़ा धोखा दिया है तुम्हें। वो जबरदस्ती दबाव डाल के तुमसे शादी करने की कोशिश कर रहा था। ये सब क्या कह रही हो तुम? ऐसा ही करना था तो जबरदस्ती वेदी से क्यों उतारा था हमें? पर
कर लेने देती शादी, कम से कम बच्चे को गाली तो नहीं लगती। तब तो कह रही थी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही थी ना, और अब कह रही हो कि हम सबके सामने जाके बता दे कि हम कुंवारी माँ बनने वाले, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और वो शिवांश तो हराम से मुंह कर जाएगा कि उसका बच्चा नहीं। तब हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, बोलो श्रावणी, तू कुछ अलग रास्ता निकालो, प्लीज प्लीज इस सबके बीच में हमें मत लाओ। हम ना पहले से बहुत डरे हुए। स्वीटी, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। तुम सही कह रही हो, शादी से बचाकर हम तुम्हें वापस उस कुएं में नहीं ढकेलेंगे। हम खुद कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन स्वीटी, तुम इस बच्चे को ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाओगी। जैसे जैसे दिन बीतेंगे सबको समझ आने लगेगा। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? तुम्हें जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा, और अगर नहीं तो ताई जी या ताऊ जी को बता दो, वो कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जल्दी। श्रावणी, जल्दी आ। ताई जी, छोड़ो मैं, छोड़ो, कौन है तुम लोग, कौन है तुम लोग, छोड़, हाँ छोड़ो हमारा, कौन है तुम लोग, छोड़ो हमें, छोड़ो, कौन, छोड़ो हमें, हमारे परिवार को क्यों बांध के रखा है? हमारे परिवार वालों को छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ एक रस्म होती है गाली देने की, लड़की वाले लड़के वाले को गाली देते हैं और लड़के वाले लड़की वाले को। अरमान अधूरे रह गए थे हमारे, तो आज पूरे होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? बस 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 छोड़ो, बस बस बस, अरे बस, आप जैसी भी है बहुत प्यारी, ये बस। एक बार हाथ खुलने दे, गाली क्या तेरा मुंह भी तोड़ देंगे। अरे साले जी, थोड़ा आराम से, ले चला सबको वहाँ। हमने कहा छोड़ो हमारे परिवार को। आइए, आपको हम लेके जाते हैं। छोड़ो हमें, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अरे बीवी जी, आइए आराम से, आराम से, आराम से, सबके हाथ खोल दो। देखिए खोल, कौन है लोग?
मेन फोटो तो रह ही गया। अभी ये भी इस घर का हिस्सा है। अरे ससुर जी, संबंधी है आपके, आपकी बेटी के ससुराल वाले हैं। होंगे, मगर इस हवेली में क्या कर रहे हैं? अबे साले जी, गर्मी जरा कम। ये सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, ये लोग भी इस घर में आ रहे हैं। क्या? आखिर ये भी इस घर का हिस्सा है? दुल्हन तो विदा हुई नहीं, तो हम अपना परिवार यहीं ले आए मुंह दिखाई के लिए। वो क्या है ना, हमारे अम्मा जी के अरमान थे नई दुल्हनिया से सेवा करवाने के। क्या मतलब? क्या मतलब? कि जब तक हमारी बीवी यहां रहेगी, हमारा परिवार यहां रहेगा। दुल्हन तो गुरहर है, लेकिन देखो दुल्हनी, अब तुम हमारी पतोहू हो और हमारे खानदान के बहुओं के कुछ नियम होते हैं। आज तक हमारी बहुरिया यानी तुम्हारी सास ने सब निभाए हैं, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, कल सूरज उगने से पहले नहा धोकर आरती करके सबके लिए नाश्ता बना के खाना बना के दोपहर को हमारे हाथ पांव दबा के और शाम को सास की सेवा और उसके साथ बैठकर सिलाई कढ़ाई के गुण सीखो। फिर उसके बाद रात का खाना बनाओ और हमारा पोता थका हारा घर आएगा तो सोने से पहले उसके पांव दबाना। अरे दादी, पर भाभी ये सब नहीं कर पाएंगी ना? क्या है कि डॉक्टर बनने की तैयारी भी कर रही है, सब चीजों में टाइम नहीं मिलेगा उन्हें। अब क्या पढ़ाई लिखाई करोगी? लो, घर की धरोहर पहनो। और चूल्हा चौका संभालो। देखिए माता जी, आप लोगों को यहाँ रहना है, आप रह सकते हैं। एक मिनट चंद्रा, एक मिनट। लेकिन श्रमणी से ये सब मत कराइए। देखो बड़के ठाकुर, बिटिया का कन्यादान तुम नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन कन्या अब तुम्हारी नहीं रही, ये मत भूलो। अब ये हमारे घर की लाज है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। अब हमारी दुल्हन को
हमारे हिसाब से ढलने दो। माफ कीजिएगा अम्मा जी, लेकिन ये कंगन हमारे लिए सिर्फ हथकड़ियां है। अगर हमारी असल में शादी हुई होती ना तो इसे माथे लगाते, लेकिन आपका पोता बीवी को भी एक मेडिकल सीट की तरह समझता है, जो उसे लगता है कि जबरदस्ती हथियार लगा। लेकिन ना तो उसे मेडिकल की सीट मिलेगी और ना ही पति होने का अधिकार। हम कोई कठपुतली नहीं है जो आपका पोता जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे, और आज नहीं तो कल जब हम ये साबित कर ही देंगे ना कि ये शादी सिर्फ एक झूठ है, तब आप लोग क्या करेंगे ये सोचिए। मेहमान है आप लोग, तो मेहमान की तरह इज्जत से रहिए। और रही बात परिवार की, ठीक है, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन आपका बेटा हमारे साथ गलत कर रहा है, उसे समझाइए। हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये लड़की तो भली लग रही है, जब ये कह रही है कि शादी नहीं हुई है तो फिर शिबू कौन से सबूत की बात कर रहा है? हमारी अम्मा जी अब थक गई हैं। अम्मा जी चलिए आराम कर लीजिए। तो बताइए अम्मा जी का कमरा कहाँ है? नहीं, इतनी बेइज्जती के साथ तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। बड़े ठाकुर, आपको तो रीति रिवाज पता ही होंगे, शादी के समय लड़की के माँ बाप सर झुका के दामाद के पांव पूछते हैं, लेकिन इन दोनों ने रात को छुपकर शादी की तो वो सब हो नहीं पाया, इसलिए ये जरूरी रस्म अभी निभा लेते हैं। कन्यादान का अधिकार तो आपका है, तो आप अपने दामाद का पांव अपने हाथों से धोकर उसका तिलक कीजिए। चलिए तभी हम यहां रहेंगे। हमारे ताऊ जी किसी के भी आगे सर नहीं झुकाएंगे और ना ही किसी के पांव धोएंगे। आप लोग को यहां रहना या नहीं रहना वो आपकी मर्जी,
भूल गई पंचायत की बात दुल्हन? कहो तो फिर से बुला दे। पंचायत के हिसाब से ये तुम्हारा पति है। अब रिवाज के मुताबिक या तो तुम हमारे साथ विदा होकर ससुराल चलो या तुम्हारा परिवार हमारे पोते के पैरों में झुके, उसके पैर धोए, तब हम यहाँ रुकेंगे। सोच लो, अगर अपने परिवार के साथ रहना है तो तुम्हारे परिवार को हमारे रीति रिवाज भी मानने पड़ेंगे, क्योंकि रिवाज तो रिवाज है, चाहे तुम्हारे घर के या हमारे। अरे भगवान, ये बुढ़ी माई तो बहुत ही तेज निकली, हम तो बच गए भैया। हम करेंगे। ताऊ जी, नहीं नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा, रसम है, इससे हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे। देखो, अगर हमने ये नहीं किया ना तो ये लोग तुम्हें ले जाएंगे, इनकी चाल है, हमें कर लेने दो। साहूजी, साहूजी, हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अगर वो ये नहीं चाहती कि आप ये रस्म करें तो हम भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारी अम्मा जी की बात का मान तो रखना पड़ेगा। इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता ये है। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाहती कि आपके ताऊजी ये रस्म करें, कोई बात नहीं, आप करेंगी ये रस्म। आप धोएंगे हमारे पांव, पति के चरणों में तो स्वर्ग होता है ना, क्यों पत्नी जी? सोच लो, तुम पाव धोती हो या बड़े ठाकुर? चलो दुल्हन, मुंह ना ताको, जल ला और अपने दूल्हे के पांव पखारो। चलो,
ये सब कौन करता है आजकल? ए बिटुआ, हमको ज्यादा कायदा मत सिखाओ। ये सब करना जरूरी है, जब तुम्हारी शादी होगी तभी तुम समझोगे। कोई बात नहीं बंटी, इनके पोते को सम्मान चाहिए ना, पूरा सम्मान मिलेगा। इनके पांव भी पखारेंगे और टीका भी करेंगे। लो, धो दिए तुम्हारे पैर। अब टीके की बारी। टीका भी हो गया, अब खुश? बहुत खुश। एक बार आईने में अपना चेहरा तो देख लो, कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई हो? कसर तो कोई नहीं है, लेकिन आईने की जरूरत हमें नहीं, आपको है। एक बार अपनी मांग तो देख लीजिए। जानती है, लेकिन मानती नहीं है बीवी। हमारी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। आप लाख कोशिश कर लीजिए। आपकी मांग में सिंदूर हमारे नाम का ही लिखा था। चलिए ताऊजी, मेहमानों को थोड़ा आराम करने देते हैं, सब थक गए होंगे ना। तुम्हारे नाक में नकेल और गले में पगा हम ही डालेंगे। ब्याहता हो तुम? क्या सोच रही हो कि हम कुछ नहीं जानते? हमको शिबू ने सब बता दिया है। जिला पंचायत का फैसला है ये कि तुम चाहे जो कहो
लेकिन इस शादी को तुमको मानना ही पड़ेगा। अब तुम हमारे घर की दुल्हन हो। गनीमत समझो, आपके परिवार की तसल्ली के लिए आपको विदा कर ले जाने के बजाय हम अपना परिवार विदा कर यहाँ ले आए। लेकिन किसी बुलावे के अंदर मत रहिएगा। आज के बाद आप सिर्फ एक बेटी ही नहीं, हमारे खानदान की बहू भी है, एक पत्नी है, एक भाभी है। वो सारे फर्ज आपको निभाने पड़ेंगे। मायके से पहले ससुराल को आगे रखना पड़ेगा, वरना वो वीडियो। वक्त बदलते ना, वक्त नहीं लगता है। और आज जो तुम हमें जिस वीडियो के लिए धमका रहे हो ना, वादा करते कि अगले 30 दिनों के अंदर साबित करके रहेंगे कि ये शादी झूठी है। और इस बार तुम्हारा मुंह काला होगा, सब जगह न्यूज पे तुम होगे। तब तक जो मन चाहे कर लो। चलो 30 दिन तक ही सही, आपने हमको अपना पति तो माना। चिंता मत कीजिए ताऊ जी, इस तूफान को बिना झेल लेंगे हम। आप सब हमारे सामने हैं, बस इतना ही चाहिए हमें। बाकी हम ठीक है। आपका विदाई गान पूरा हो गया हो तो हम रस्में पूरी करें। हमने तुम्हारी जमानत करा दी है। जी आप कौन? शुभचिंतक। तू क्या कर रहा है? जाके मुंह धो लो। शुक्रिया शुभचिंतक, तुम जो भी हो, आज तुम न होते तो हम अपने मकसद में कामयाब न हो पाते। टीका भी नहीं लगाया, अब दोनों पति पत्नी की तरह माँ का आशीर्वाद ले लो। कर लो बेटा। अरे ऐसे कपार उघाड़ के करोगी? न सिंदूर न मंगलसूत्र, क्या हो गया है तुम्हारा? शिवो, एक एक करके ये सब पहना दे। वसुधा, सर पे पल्ला डालो। शिवो, पहले चूड़िया पहना दे। हम उम्मीद करते हैं कि पंचायत के फैसले का आप सम्मान करेंगे, नहीं तो आप खुद सोच लीजिए, आज जो घर का मामला है वो कल कोर्ट कचहरी का बन जाएगा।
अब सिंदूर कौन लगाएगा? अगर आपने हमारी और श्रवणी की शादी को नहीं अपनाया, कल ये सनसनीखेज खबर पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। मंगलसूत्र कौन पहनाएगा? फांसी लगा लेंगे लेकिन इसके हाथ से नहीं पहनेंगे। पहना तो सही, आगे से बिना सिंदूर और मंगलसूत्र दिखाई मत देना। जा, अबे माता का आशीर्वाद ले लो। चलो बेटा माथा टेक लो। बेटा अब हो गया दर्शन, अब बहू को कमरे में ले जाओ। चलिए। हमको नहीं पता, हमें लगा जैसे कोई यहाँ था। पापा हाथी का हाथ लगे गिर गया होगा नींद में। देखिए अलमारी भी खुली छोड़ दी है आपने। हो गए पापा, अब सो जाइए। कैसे सोए स्वीटी, हमारा मन तो श्रवणी में लगा है। बैठिए, चलिए बैठिए। वो तो इसी घर में है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमें जरूर पता चलेगा। आप ना अभी आराम कीजिए, हम आपके लिए गरम गरम दूध भिजवाते हैं, नींद अच्छी आएगी। ठीक है। देखिए आप ऐसे परेशान मत होइए, हमारी जो अम्मा जी है ना वो थोड़ी कर रही है, आप एक बार उनके इम्तिहान में पास हो जाएंगे ना, फिर देखना वो सबसे ज्यादा लाड़ और प्यार आपसे ही करेंगी। चुप रहोगे तुम? लोग हम तो कुछ बोले ही नहीं। इतना अंधेरा क्यों है?
शब्दों में क्या? तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर हम निहाल हो जाएंगे। अब इस शादी के चक्रव्यूह में तो हमने तुम दोनों को फंसा दिया, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलोगे कैसे? क्योंकि निकलने का हमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।